ramu. अच्छा भैया, ये हरिओम म्यूजिक के सौजन्य से बड़े भैया अभिमन्यु भैया के देख रेख में, सहयोग में हमारे भाई जितेंद्र हुवन और राजन भाई, हम गुलाब यादव साथियन के आवाज में आप लोगन के बीच में वीर रस कवि रहा भेजत हैला। उम्मीद करत हिया कि आप लोग पसंद करिहन। आओ भैया, भूमिका में भाव है चार लाइन। तो कल्पना कल्पना में डूबे कोथ के काल नाम खारोस के नहीं आज पार उस दहाड़ा विदय बनाएंगे झुकाएंगे नहीं है अगर बाह बल कोई लग ले अखाड़ा। कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ चल दिए वीर पंकज कवि गर्जना गांधी बाबा चले देखने योगिता देशवासी कोई न हुए भक्त सरना। अच्छा भैया, हमार देश गुलामी के जंजीर में जकड़ी हुई करा रहा था। आजादी लियावे बदे के बड़ा बड़ा खून बहावल गल हो। अंग्रेज यहां से बड़े अत्याचार करके गयल हुआन, लेकिन यह आजादी में बहुत बड़ा जो है कि हमारे क्रांतिकारियन का सहयोग। आज का नेता सुभाष चंद्र बोस का नारा रहल कि तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज के नेतन का कहनाम है कि तुम हमें आजादी दो खून तो हम धीरे धीरे करके चूस ले। इशारा हो भाव गजल कहो का काशी में नजारा है भाव हो वह जवानन के ऊपर कवि जी का इशारा हो कहना हो का हो खूनों से सनी धरती अरे खूनों से सनी धरती वीरों की कहानी है
का आंखों में पानी है। भैया हो कहानी का शुरुआत जौहरी शहर से लगल लेकिन तनी बुल्लू गुरुजी वाली चार लाइन है। कैसे कहे वो यहाँ राम कृष्ण और राणा गौतम गांधी अनुराई जहाँ कोई न लड़ने आई अपमान समझ गांधी जी निकले बाहर मन मारी क्यों चेहरा राज मुरझाया एक शेर कहा ललकारी शेर मालूम भल है कि अब वहीं से मेहनत कैला है तोहर लोगन। ए भैया अंग्रेजी हुकूमत चरम सीमा पे रहल एक अंग्रेजी पहलवान लॉर्ड हेनरी नाम का हमारे भारत में आगल हरियाणा में और ऐलान कर दलस अखाड़े पर फरीदाबाद अखाड़े पर वहां ऐलान कर दलस कि है कोई माई का लाल लड़ने वाला। एक बेरी आयल दुई बेरी आयल तीन बेरी आयल तब बतौलस कि भारत में कोई लड़ने वाला पहलवान ही नहीं है। यहां कमतारी सब गीदड़ पैदा कैले हैं पहलवान ना पैदा कैले हैं तरह तरह के बैंग बोले लगल आखिरकार में ये बतिया गांधी जी के बड़ी नागवार लगल एकदम मुंह लटकल बा चेहरा मुरझायल बहरे निकल के आ गईलन। एक लड़का 20-22 साल का रहल जाए के पूछा था का बाबा आज कैसन बड़ा झुरायल हुआ कैसन चेहरा तोहर मुरझाय गल। बाबा कहने की का पूछत हुए बेटवा तू जा तू जवन करत हुआ तवन कराई तोहरे बस का ना हो। कहला नहीं बाबा हमें बतावा का बात है। गांधी जी कहलन की कहां घर पड़ी बेटवा तुहार बतौलन की हरियाणा राज्य करनाल जिला दाहा मदनपुर के रहे वाला हम है बाबा। कलन की यही कहुआ कला हाँ यही कही का बात है हम तई लिया के चला वो अंग्रेजी पहलवान के पास। गांधी जी नीचे ऊपर ताक लगने की 20-22 साल के लड़का बड़ा कमजोर हो ई का करी लेकिन वो कहत है बाबा नीचे ऊपर जिन ताका हम मन लिया के चला खाली लिया के जौने समझ गईलन है। उ लड़कवा कहत बाबा से गांधी जी से का कहलस एक लाइन गीत लग गई
कहत हो भाव है जैन बारे सुरेश बजावत मन बड़ बढ़िया लाइन से। अरे देवरा कह तनी, अरे देवरा कह तनी, ताका ये भौजी तोहार कजरा बाय बाका ये भौजी। नाम बाके रहल बाके पहलवान का कहले हुआन हना कैसे जाई देशवाम कसनवा ये बाबा भले ही देव चल के जनवा ये बाबा। लड़िकवा धीरे धीरे बाबा के विश्वास धरावत कि हम लेके कैसे चला, हिम्मत बनौले हुए तनी तनी का कैले हुए गांधी जी लिया के आईने दंगल दरिमनवा। अरे जोश बरल पीरवा के देख तू सुमनवा। लिया के आ गईलन अंग्रेजी पहलवान लॉर्ड हेनरी के पास। गांधी जी जब लिया के वो लड़िकवा के अलन है देखल लड़िकवा देखता त आग बबूला हो गयल। अंग्रेजवा देखत नीचे ऊपर रे सज्जा एक कुंटल के ऊपर हम आन कर लोड हमार ओजन हो हे काली के चिरकुटाल ताकत नीचे ऊपर। लेकिन बाका कहलन कि ऐसे जिन देख हथवा मिलाए के देख, हथवा मिलाए के देख कितनी कीमत हो ये भारतीयों के रगों में। आखिरकार में जब ही मिलावा शुरू कैलस तो फिर गीत लग गई। तोरे नहीं हरे तोरे नहीं हरे में दूध गई यार बारे तोरे संगे ना जाइबो। हाय कहत हो देखा लॉर्ड हेनरी कहत हो बाके पहलवान के लड़ाई है नारी करल उपहास रे लड़ाई है नारी करल उपहास रे संन्यास ले लड़ ले से सहीना की दड़क परी हवस रे सन्यास ले लड़ले से। आखिरकार में तनी बात जौने समय लॉर्ड हेनरी कहलस के बचवा जो सन्यास ले ले तोरे बस का कुश्ती ना हो
इतनी बतिया तो जैसे आग लग गई शरीरिया में बांके के, लेकिन का भयल हो दोनों पहलवान, दोनों पहलवान तब हथवा मिलाई, खींच लिया हाथ लंदन वाला बखन लाई, तबले झुके गले हला निकास रे संन्यास ले ला लड़ने से, लेला लड़ ले ऐसे। ए भैया हो हाथ मिलौले हुवन और एकरे बाद कुश्ती चलत हो, इतने में उठ झुक के निकास लहलस मरलस अंटी भहरा गईलन, हवा खुल गल। अरे हवा खुल गल ओकरे वो समय तू सुनत रहला। ए भैया आखिरकार में पटक के सिनेमा पर चढ़ी बैठल, चढ़ी बैठल तो भाव टेरी में लग गए। अरे बजरंगी जौने देश में हुए सैहन नारुआ रावण का राम के जंगी, अरे हो जंगी, अरे हो जंगी, अरे हो जंगी, नारुआब रावण के राम के जंगी बाबा। बजरंगी जौने देश में हुए बाबा। पटक के सिनेमा पर चढ़ी बैठल कलश कारे तोरे के नहीं डब्बा के दूध पियले आई। ए भैया हो सिनेमा पर चढ़ल हो वो समझ जनता का आक्रोश जनता का खुशी देखत ही बनत रहल, भयल का भाव लगल। बड़ी पुराण गीत हो, लोग कहलन भैया पुराण खाना पुराण दाना और पुराण गाना, आखिरकार में उभाव हो उसमें कवन भाव है भैया। बाले उमर कमर लचकनिया, बाले उमर कमर कन्या गोरिया खींचनी हुरी के बनिया, गोरी का झूले झूलनिया ना वो समय भाव हो जौने समय सिनेमा पर चढ़ल हो समय जनता का काम उड़ देखा भयल काम। अरे ताली बजल जंगम ये रामाम, ताली बजल जंगम ये गूंजे लादा गाना हो जवनवा, रण में कैले तू फनवाना, कुश्ती फिर रखवाई, कुश्ती होई चली के रामा, कुश्ती होई चली के लंदन के दरमियान नवा हो जवान, हाँ
भैया तमाम जय जयकार का नारा लगत हो। गांधी जी गोद में उठा लहलन बारे बिटवा, आज देश का पानी बचा लहले लाल। ए भैया जय जयकार लगत है, अंग्रेज घबरा गईलन कि अरे हो देखा डंगर हवा का उठा चौक दहलास छल कैलन। आखिरकार में वही समय कहलन का अंग्रेज भाव विदेशिया में हो। माने अंग्रेज नहीं, माने अंग्रेज नहीं, और तो विधान में डाली दे कुश्ती प्रतियोगिता दुबारा भये लना कुश्ती अंग्रेज छल कैलन दुबारा कुश्ती रखवा दहलन। गांधी जी से पूछ के कि आए गांधी जी आपके पहलवान में बहुत बड़ी दम है, एके ले जाए जाई हमारे अपने लंदन के धरती पर। अब मानल तब जाएगी जब वहां हमारे पहलवान के पटक के चैलेंज करी तब, ऐसे कुछ दाव पेश सिखल जाई। ए भैया गांधी जी कुश्तिया स्वीकार कर लहलन कि चला ठीक, लेकिन अंग्रेज का देखा का भयल भैया वा। बाके पहलवान पत्नी स्वर्ग बासे भाई सब करे लारू दनावा, आशाया नी आशाया साम हम के ये बना के गईलू। रोम पहलवान के ये तब बर सैना ए भैया हो कुश्तिया जो समय रख गईल अंग्रेज गद्दारी कैलन। वहीं से दूठे अंग्रेजी उग्रवादी गद्दार चाहे मान लाम दोनों ते कहूंगा भेज के बाके पहलवान अब ही वो रह हूंगा उनके औरतिया के मरवा नौलन। बाके पहलवान के औरतिया के मरवा नौलन सोचलन कि यही में बज जाई तो न जा पाई। बाके पहलवान वहर से तो खुशी लेके आवत हुआ ए भैया, लेकिन जब देखन तो घरवा तमाम भीड़ कैसन रुवाई होती हो, केहू से पूछत हूं कलन भैया का बताए कहे में जवन की करेजा मुंह के वत हो तोहरे पत्नी के। अंग्रेजी हुकूमत अंग्रेजी सिपाही भेज के मरवा नौलन गिर गईलन वही धरती पर कि हाय रे विधाता ई कवन दिन देखावत हुआ। आखिरकार में लड़कवाम बाके पहलवान पत्नी के अपने ले जा के दाह संस्कार कैलन वहां से अलन
अंग्रेज तो सोचलन की भुला जाए, लेकिन कुश्तिया ठीक 3 दिना बाद रखल है लंदन में। चल रहे हुए गांधी जी समझावत हुए ये बचवा, जो जीने समाते अपने पत्नी के काम की निकला तब जाम, लेकिन वो लड़कवा कहलस यानी पहलवान बाके कहलन कि नहीं बाबा जाप तो जरूर मैम। आखिरकार में लड़का जोश में हो चल दहले हो तब भाव लगल नई नई प्रीत लगल यही रनवा हम गवाना कहिया जाम। तर्ग रहल है, लेकिन वो समय बाके पहलवान का बात ही हो। पहलवानवा चलले ना, पहलवानवा चलले ना, लेके जहियानी गोटा जवानवा, लेके जहियानी गोटा जवानवा, पहलवानवा चलले ना। ए भैया लड़कवा जवन हकी कहलस कितना भी लाभ समझावत हुन गांधी जी कि बचवा जो दिन माहौल खराब हो, लेकिन लड़कवा जोश में हो बाबा जाप तो जरूर। आखिरकार में समझावत हुन गांधी जी, लेकिन लड़का मानल ना, चल दहले है अकेले। आ जब चल दहले अकेले तो भाव पहपट में लग गया। कहा भैया कैसे जाएं आज हिंद का पानी लंदन नगरी में, ओ भला ही जीवन हो जाए कुर्बानी लंदन नगरी में। भैया बुझल न वही आग चिता कैम और रही रहे धड़के ज्वाला होम, अधिकार लय आज आत्मा कहीं न समूह काला होम, कौन काम आई चढ़ल जवानी लंदन नगरी में, और घर से तब कूद पड़ा सैलानी लंदन नगरी में। लड़िकवाम बाके पहलवान शलदलन मल्ला नाम, आखिरकार में लंदन के धरातल पे पहुंच ही तो गईलन। ए भैयाम आग जवाना के सीना में धधकत है वो पत्नी वाली कि हमारे साथ है साले इतने गद्दारी कह के चल गईलन, वही धधकत है आग सीना में भावाला में हो। सिंघना सियार होई है गीदड़ धमकी से ये भैया, बाला ही बुढ़ई है लेकिन करी है परेशाना, बाला
अखाड़ा हवाने हिंद के जवान वाये बाबू पहुंचल शेर कुश्ती रखाइल कुश्ती हो गई आखिरकार में अंग्रेजी पहलवान लॉर्ड हेनरी के पटकलस तो लेकिन अपन भारतीय उतना क्यों वहां ना रहल पानी मंगलस रेफरी पानी ले जाए के देहलस लेकिन पानी में जहर मिला देहलस जब जहर मिला दल तो शरीर से चक्कर आवा लगल जैसे यार वार था झुलमुला थो सोचे लगल कि ये हमारे एक बैगा का होगल दिमाग में ओकरे एक एक बात आ गई कि रे तो हमें जहर साले मिला के पानी में लगत हो दे दल भाव सदर में हो ए भैया अखिया से लाल पिया लौक से दवा के कदा होना लौक लंदन वाला बेईमान गैला पकड़ा तमी बोता हाथवा में भागा चाहो अंदर खींच लिया ना जवान अरे पटकी के छतिया पर चढ़ी जब गई नायन अरे बैठा ना सिरवा पर जैसे हनुमान बोला भैया सिनेमा पर जौने समय आंखी से लाल पियर लौकर लगल लड़का के देखत चारों ओर चकपकाए के कि गयल कहा एक बेरी तनी सा दिखाएल दौड़ के खींच लहला सुहनी को टवा पकड़ के अरे पापी नेच हम तो जाबे करब अब लेकिन तुके छोड़ब ना यहाँ ए भैया पकड़ के निगोटवा या खड़वा पर खींच लहलस गर्दनवा ये कई चंपले चंपलस बस ले ले यही से कवि जी कहते बैठे ने सिनेमा पर जैसे हनुमान ए भैया बैठ के दुमचत जा था कि सोचत था कि चल तो जाबे करब भाव खड़ी में हो इशारा हो जाए वाला हो सांस टूटे वाली हो वो समय एक बात कहत हो कुछ भारतवासी रहलन वहाँ गांधी जी तो ना गल न लेकिन बतावत हो लड़कवा अंतिम वाणी में अपने यही बात की बतावत था का कल खड़ी लगे भाव ए
दबाई दबाई और मंगन बापू से अपने अंतिम विदाई और हम से सोई जुदाई के तनवाम हमके ललकार धरतिया झुकना सनवा ए भैया हो वह समय लड़िकाम दम तोड़े वाला हो कहलस कि बाबा तो यहाँ हूँ ना लेकिन जे भी सुनत हो एकर तकलीफ ना हमें हो कि हम यहाँ आए के शहीद हो जात है हमार जान चल जात हो नहीं बापू एक नहीं अगर 100 बार हमारे जन्म हुई यह धरती पर हिंदुस्तान की धरती पर तो हमें आने के साथ 100 बार शहीद होवे के क्षमता रखत है एकर नाराजगी ना हो एकर तकलीफ ना हो तकलीफ तो ये बात कहो कि ये बाबू यह अंग्रेजन यह गद्दारन के चंगुल से अपने देश के बचा लिया एहर भारत में खबर मिलल का भयल बा भैया बा रोवे भारतवासी सब पाई के खबरिया और गैला वतन के पुजारिया गुरु बिहारी पत्तू जय मंगल रामधार पति राम वीरो का गाना राम यमद कवि राम नारायण ऐसे वीरो को ना यजमाना बजरंगी जौन देश में हुए गुलाब श्री राम मिल बनाई दे भंगी बजरंगी जौन देश में